चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्लाज्मोडियम ओविल। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, मलेरिया के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मोडियम ओविल के बारे में जानकारी पाएंगे, अफ्रीका और अन्य देशों में इसे लेके क्या स्थिति है, भारत में प्लाज्मोडियम ओविल की क्या स्थिति है और भारत में मलेरिया के केस कितने हैं, इस पर बात करेंगे। विकल्प बी सोडियम विवेक्स, विकल्प सी प्लाज्मोडियम ओविल, विकल्प डी प्लाज्मोडियम मलेरिया, यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल में एक सैनिक के रक्त के नमूने में मलेरिया की एक नई प्रजाति प्लाज्मोडियम ओविल पाई गई है। जो नई प्रजाति पाई गई है उसका नाम है प्लाज्मोडियम ओविल। मलेरिया के बारे में, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यदि मच्छर स्वयं मलेरिया परजीवी से संक्रमित होता है तो मलेरिया परजीवी के 5 प्रकार हैं, जिनमें शामिल है प्लाज्मोडियम फैलिपेरस, प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम नॉलेसी। प्लाज्मोडियम ओविल क्या है? प्लाज्मोडियम ओविल एक परजीवी प्रोटोजोआ की प्रजाति होती है। इसके कारण मनुष्य में टर्सियन मलेरिया होता है। इसका प्लाज्मोडियम फैलिपेरस तथा प्लाज्मोडियम वीवैक्स से नजदीकी संबंध है, जिसके कारण अधिकांश लोगों को मलेरिया होता है। यह इन प्लाज्मोडियम फैलिपेरस तथा प्लाज्मोडियम वीवैक्स के मुकाबले विरल है तथा प्लाज्मोडियम फैलिपेरस से कम खतरनाक है। प्लाज्मोडियम ओविल को लेकर अफ्रीका और अन्य जगहों की स्थिति क्या है? प्लाज्मोडियम ओविल मलेरिया उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका के लिए स्थानिक है। पी ओविल अफ्रीका के बाहर अपेक्षाकृत असामान्य है। यह फिलीपींस, इंडोनेशिया और पापुआ न्यूगिनी में भी पाया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षाकृत कम है। चीन म्यांमार सीमा पर 2016 के एक अध्ययन में यह पाया गया कि पी ओविल और फैलिपेरस बहुत कम प्रचलन में थे, लेकिन अक्सर गलत तरीके से पहचाने जाते थे। चीन के जियांगसू प्रांत में किए गए एक अध्ययन में 2011-14 में स्थानीय मलेरिया के मामलों में काफी कमी आई, लेकिन पी ओविल और फैलिपेरस मलेरिया के आयातित मामले बढ़ गए थे। भारत में प्लाज्मोडियम ओविल की क्या स्थिति है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के वैज्ञानिकों के अनुसार केरल का मामला विरल है और अब तक स्थानीय प्रसारण के कोई भी मामले दर्ज नहीं हुए हैं। यह जवान 2020 जनवरी में सूडान से भारत लौटा था और दिल्ली में था। 1 महीने पहले वह केरल गया और कुछ ही समय बाद उन्हें बुखार और अन्य लक्षणों का अनुभव होने लगा। कोविड-19 परीक्षण नकारात्मक होने के बाद उनका मलेरिया के लिए परीक्षण किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार मच्छर के काटने के बाद परजीवी के लिए लंबे समय तक, यहाँ तक कि वर्षों तक शरीर के तिल्ली या यकृत में बने रहना संभव है और व्यक्ति बाद में रोग सूचक बन सकता है। भारत में मलेरिया के केस, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश में 2019 में 157,000 मलेरिया के मामलों में से 110,000 मामले फैलिपेरस मलेरिया के थे। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि भारत में मामले 2000 में 20 मिलियन से घटकर 2019 में लगभग 5.6 मिलियन हो गए हैं। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।